नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विपरीत प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों द्वारा सताए गए लोग इस मंत्र का उपयोग क्यों करते हैं। जीवन में सुख दुख तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, लेकिन जब दुख आता है तो उसके अनेकों कारण होते हैं, चाहे वो कारण आर्थिक हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो। आपको काम धंधे में, बिजनेस में नुकसान हो गया है, नौकरी नहीं मिल रही है, अलग अलग तरह का समस्या का सामना कर रहे हैं, बीमारी की समस्या का सामना कर रहे हैं, घर में कोई ना कोई बीमार रहता हो, हमेशा चारों तरफ से अशुभ समाचार आपको मिलते रहते हों, इससे दुख होता है इंसान को। वो चाहता है इन दुखों से निकल जाए, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन आपके हंसते खेलते जीवन में जब किसी की नजर लग जाती है, शत्रु चारों तरफ से आपको अलग अलग तरीके से परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं, कोई काम आपका समय पर हो नहीं पाता, शत्रु द्वारा आपके कार्यों में अड़चने आनी शुरू हो जाती है और हालत ऐसी हो जाती है, यानी जीने मरने की हालत हो जाती है। तो जब शत्रु चारों तरफ से आपको परेशान करें, आप कुछ न कर पाए, चाहे सामान्य तरीके से शत्रु आपको परेशान करें या तंत्र बाधा के रूप में आपको परेशान करें, जब ये परेशानियां एक सीमा से ज्यादा हो जाती हैं, तब मनुष्य विचित्र अवस्था में हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। ऐसी अवस्था में हमारे मंत्र शास्त्र में एक नियम दिया गया है जिसे विपरीत प्रतिज्ञा साधना कहते हैं। यानी जो व्यक्ति जिस भावना के साथ आपके ऊपर कोई क्रिया करता है, करवाता है, तो वह क्रिया उसी व्यक्ति के ऊपर लौट जाती है, उसे विपरीत प्रतिज्ञा कहते हैं। ये प्रतिज्ञा उपाय, यानी ये साधना आपको तब करनी चाहिए, ये अभ्यास आपको तब करना चाहिए जब आप चारों तरफ से निराश हो चुके हो और जब आप बहुत ही परेशान हो, तभी ये उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को किसी को परेशान करने के लिए नहीं कर सकते आप। अगर कारण जायज है तभी इसका प्रयोग करें, नहीं तो फिर नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। आपके पास जायज कारण है कि लोग आपको परेशान कर रहे हैं, लोग आपको जीने नहीं दे रहे हैं, सामाजिक रूप से आपकी बदनामी हो रही है, आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, पारिवारिक रूप से नुकसान हो रहा है, तब विपरीत प्रतिज्ञा का उपाय करना चाहिए। तो आज इसी मंत्र के अभ्यास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर शांत रूम में बैठ जाएं, लाल कपड़े के आसन के ऊपर बैठें, और कुछ लोग जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, वे कुर्सी या सोफे पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर बैठ जाएं। अब अपने दोनों आंखों के बीच में ध्यान देते हुए, यानी अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए विपरीत प्रतिज्ञा मंत्र ओम ह्रीं प्रतिज्ञरे ब्रह्मांड रक्षिणी सर्व बाधा नष्टे नष्टे फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ। ओम ह्रीं प्रतिज्ञरे ब्रह्मांड रक्षिणी सर्व बाधा नष्टे नष्टे फट। इस मंत्र का उपांशु जाप आपको करना चाहिए। उपांशु जाप का अर्थ है धीमी आवाज में जाप करें, लेकिन अगर इसी मंत्र का अभ्यास किसी सुनसान या निर्जन स्थान पर कर रहे हैं तो इस मंत्र को वाचिक रूप में जाप करना चाहिए। वाचिक रूप का अर्थ है जोर से बोलकर इस मंत्र का अभ्यास करना चाहिए। लेकिन आप इस मंत्र का अभ्यास अपने घर पर कर रहे हैं तो उपांशु जाप में, यानी धीमी आवाज में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को नियमित रूप से 11 माला आपको रोज करना है और यह 11 दिन की साधना है। इस मंत्र को किसी भी माला से या बिना माला के भी आप जाप कर सकते हैं, लेकिन 11 माला इस मंत्र का जाप करना है और 11 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास करना है। उसके बाद 12वें दिन
किसी को भोजन या फल का दान कर दें, पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो किसी मंदिर की दान पेटी में दान कर दें। यह मंत्र बहुत ही लाभकारक है, बहुत ही फायदा दिलाता है, बहुत ही उपयोगी है। इस मंत्र को आप किसी भी शनिवार, ग्रहण, अमावस्या, होली के दिन इस मंत्र का जाप करें तो आपको लाभ बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। यानी इन दिनों से इस मंत्र का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जाप कर सकता है। इस मंत्र के अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। साधना के दौरान नाखून बाल नहीं काटने चाहिए या कटवाने चाहिए। पत्नी मिलकर अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से ज़्यादा पसीना आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम इस तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन डरे नहीं, क्योंकि ये अभ्यास से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं, या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल के क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का अभ्यास 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। अपने भोजन में फल, हरी सब्जी तथा फल के जूस का उपयोग ज्यादा करें। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को घर के किसी भी शांत कमरे में या घर के मंदिर में आप कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं या अनुभव करना चाहते हैं, तो नीचे भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा हमेशा तरक्की करें। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।